हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे फेरोफेनम टेबलेट के बारे में। जानेंगे दोस्तों वीडियो में इस दवा का यूज, डोज, प्रिकॉशन, साइड इफेक्ट के बारे में, साथ में साथ ब्रांड नेम, पैकिंग प्राइस, कंटेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो जरूर दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, जैसे इस दवा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिले। और उससे पहले दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ऐसे महत्वपूर्ण और वीडियो को देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों फेरोफेनम, ये दोस्तों 200 mg 300 mg दोनों स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल होता है। दोस्तों ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक दवा है। ये दोस्तों पेनम ग्रुप की दवा होता है, जो कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों ही फिगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का ये काम करता है। ये दोस्तों बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करता है, उसको किल करके ये काम करता है। दोस्तों अब जानेंगे ब्रांड नेम के बारे में। तो दोस्तों आपको मेडिकल स्टोर में फेरोनेम 200 टेबलेट, फारोनेक 200 टेबलेट, फारोवैक 200 टेबलेट, मेरोसियर ओ टेबलेट के नाम पे ये दवा मिल सकता है आपको मेडिकल स्टोर में। ये और इनके अलावा अदर ब्रांड भी मिल सकते हैं, वो डिपेंड करता है एरिया एंड डॉक्टर के अकॉर्डिंग। आपको ब्रांड नेम डिफरेंट डिफरेंट मिल सकते हैं और उसका प्राइस भी डिफरेंट हो सकता है। नॉर्मल तौर पे दोस्तों ये जो दवा है एक थोड़ा कॉस्टली है दोस्तों, पर टेबलेट आपको 40 to 45 तक ये हो सकता है। दोस्तों अब जानेंगे दोस्तों इस दवा का यूज के बारे में। तो दोस्तों ये एक एंटीबायोटिक दवा, इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में प्रयोग में लाया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को RTI रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की समस्या होता है, जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, इसमें मरीज को टॉन्सिलाइटिस की समस्या, फ्रेंजाइटिस की समस्या हो जाता है, गले में इन्फेक्शन की समस्या हो जाता है, उसकी ट्रीटमेंट में इस दवा को प्रयोग में लाया जाता है। इनके अलावा लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सांस नाली में इन्फेक्शन हो जाता है, फेफड़ों में इन्फेक्शन, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस समस्या को दूर करने के इसको प्रयोग में लाया जाता है। इनके अलावा दोस्तों यदि आपको ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन, खानों में यदि आपको इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें पस बहना, दर्द होता है, नाक में इन्फेक्शन की समस्या हो जाता है, आपको बैक्टीरियल कारण साइनोटिसिस की समस्या हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। इनके अलावा यदि आपको स्किन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या होता है, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन की समस्या होती है, उसको ठीक करने के लिए भी इस दवा को प्रयोग में लाया जाता है। इनके अलावा दोस्तों पुरुषों में, महिला में जेनिटल इन्फेक्शन, जननांग में किसी प्रकार बैक्टीरियल इन्फेक्शन समस्या हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी इस दवा को प्रयोग में लाया जाता है। इनके अलावा यदि आपको UTI इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या हो जाता है, जिसके कारण पेशाब करने में आपको दिक्कत होता है, रुक रुक के पेशाब आता है, दाने निकलते हैं, जलन होता है, दर्द की समस्या होता है, उसको ठीक करने के लिए इस दवा को प्रयोग में लाया जाता है। इनके अलावा दोस्तों इस दवा को उस कंडीशन में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं जब दोस्तों नॉर्मली जो एंटीबायोटिक दवा होता है, जैसे टेजोबैक्टम, सल्बैक्टम, सेफालोस्पोरिन, एमोक्सिसिलिन, ये दवा देने से मरीज को किसी प्रकार रिजल्ट नहीं आता, तो उसके अलावा उस कंडीशन में डॉक्टर इस दवा को मरीज को प्रिस्क्राइब कर सकता है। दोस्तों तो इतना दोस्तों इस दवा का यूज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब जानेंगे दोस्तों वीडियो के आगे में इस दवा का डोज के बारे में। तो दोस्तों दवा का जो डोज है वो डिपेंड करते मरीज की कंडीशन क्या है, बीमारी के कंडीशन, बॉडी के एज, वेट, ड्रग हिस्ट्री, इन सभी को देख के दोस्तों दवा का डोज होता है। नॉर्मली तौर पे दोस्तों एक जो दवा है 200 mg का एक टेबलेट दिन में आपको 2 बार तक लेने को सलाह दे सकते हैं, और सीवियर कंडीशन में दोस्तों दिन में 3 बार भी तक भी लेने को सलाह दे सकते हैं, और ये दोस्तों इसको कंटिन्यू 7 डेज तक डॉक्टर लेने को सलाह देता है। दोस्तों और इस दवा दोस्तों हमेशा ही डॉक्टर का सलाह से इस्तेमाल करें, अपने मन से कभी इस्तेमाल ना करें। अब जानेंगे दोस्तों कुछ बातों को ध्यान रखना है यदि इस दवा को डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब किया, कौन से ये जो दवा है दोस्तों पुरुष महिला सभी को इस दवा को दिया जा सकता है, लेकिन यदि कोई महिला है, वो प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, यदि किसी व्यक्ति को ड्रग एलर्जी की समस्या है, यदि किसी को ड्रग एलर्जी समस्या या दूसरे किसी प्रकार दवा का सेवन करता है, तो उस कंडीशन में जरूर डॉक्टर को बताए इस दवा को इस्तेमाल करने से पहले। दोस्तों अब जानेंगे दोस्तों ओवरडोज यदि इस दवा का आप लेते हो या बॉडी में आपको सूट नहीं, तो उस कंडीशन में बहुत सारे साइड इफेक्ट आपको हो सकते हैं इस दवा को लेने से, जैसे आपको दस्त की समस्या हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, डायरिया, लूज मोशन समस्या हो सकता है, बार बार मोशन, स्टूल पास हो सकता है, हेडेक की समस्या हो सकता है, मस्कुलर में आपको पेन हो सकता है। इनके अलावा दोस्तों बॉडी में आपको वीकनेस लग सकता है, थोड़े में काम करने थक जाए, तो मतलब विटामिन की डिफिशेंसी, कमी हो सकता है इस दवा को साइड इफेक्ट होने से। दोस्तों तो ये और इनके अलावा दोस्तों अनवांटेड किसी प्रकार साइड इफेक्ट यदि आप महसूस करते हो इस दवा को लेने से, तो दोस्तों इमीडिएटली इस दवा को लेने को स्टॉप करके आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जैसे कि दोस्तों आपको फर्दर ट्रीटमेंट मिले। तो यही था दोस्तों फेरोफेनम टैबलेट के बारे में सब कुछ। आई होप कि दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, तो जरूर दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही महत्वपूर्ण और वीडियो को देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।